क्लास 10 की एक्सरसाइज 7B 5D 5D का सवाल नंबर 8। 200 लट्टों की टेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्टे, इससे अगली पंक्ति में 19 लट्टे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्टे। ये 200 लट्टे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्टे हैं? तो देखिए 200 लट्टे रखे गए हैं, 200 लट्टे यानी कुल योग लट्टों का है 200। लट्टों की संख्या बराबर है 200, तो ऐसे ही बराबर 200 हो जाएगा, ऐसे ही बराबर 200, कुल योग 200 हो गया। अब कह रहा है नीचे वाली ढेरी जो लगी है, नीचे वाले में कितने लट्टे बिछाए गए हैं? 20। तो सबसे निचले भाग में लट्टों की संख्या बराबर है 20, तो ए बराबर 20 हो जाएगा। तो श्रेणी जो बन रही है लट्टों की, वो आपकी बन रही है पहले में 20, फिर 19, फिर 18, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लट्टे रखे गए हैं। तो सबसे निचले सिरे में रखा गया है 20 लट्टों को रखा गया है, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर उसके ऊपर 17, ऐसे क्रम से रखे गए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे अंतिम माने ऊपर वाले भाग के लट्टों की संख्या कितनी है, आपको AI ज्ञात करना है। और दूसरा ज्ञात करना है कि लट्टों की जो बनाई गई ढेरियां बनाई गई है वो कितनी है, तो एंड ज्ञात करना है। दो चीजें ज्ञात करनी है, अंतिम ढेरी में कितने लट्टे हैं और उनकी संख्या कितनी है, कितने कितने की ढेरियां लगी है, 19 की, 18, 19 की, 20 की, 18 की, 17 की, टोटल कितनी संख्या है। तो एंड याद करना और ई एंड याद करना और डी आप याद कर सकते हो, डी बराबर 19-20 बराबर माइनस का ए। तो यहाँ पर एस एन बराबर है आपके पास 200, ए बराबर है 20, डी बराबर है आपके पास ए, और अब हमें याद करना है ई एंड याद करना है और एंड याद करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला लगा दो, एस एन बराबर एंड बटे 2 2a प्लस एन माइनस ए इंटू डी, ठीक है। एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस ए इंटू डी, तो एस एन है 200 लटे हैं, एन बटे 2 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस ए इंटू माइनस ए, तो 200 बराबर एन बटे 2 बी दूनी 40 माइनस एन और प्लस का ए, तो 400 बराबर एन और ये 40 और ये कितना होगा 41 माइनस एन, एन का पूरा कर दो 41 एन माइनस एन स्क्वायर बराबर 400। यहाँ पर आ जाएगा चाहे क्वेश्चन ले जाओ तो एन स्क्वायर माइनस के 41 एन माइनस के प्लस के 400 बराबर 0, गुणा करने पर 400 आ जाए और जोड़ने पर 41 आ जाए, तो 25 इंटू 16 25 छक्का 125 ए 150 15 और 25 एकम 25 और 25 और हासिल आएगी 15 25 15 जितना होगा 40, और अगर जोड़ेंगे 25 और 16 को हो जाएंगे 41, तो एन स्क्वायर माइनस के 25 एन माइनस के 16 एन प्लस के 400 बराबर 0, तो एन कॉमन ले लेंगे, तो एन माइनस 25 माइनस के 16 कॉमन ले लेंगे, तो एन माइनस 25 यहाँ पर आ जाएगा, एन माइनस 25 और एन माइनस 16 बराबर 0, तो एन माइनस 25 बराबर 0, तो एन बराबर 25 आ जाएगा, और एन माइनस 16 बराबर 0, तो एन बराबर 16 आ जाएगा।
तो यानी कि उन भेड़ियों की जो संख्या है भेड़ियों में पंक्तियों की संख्या बराबर पच्चीस पंक्तियां भी हो सकती हैं और 16 पंक्तियां भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर पंक्तियां तो आ गई 25 और 16। अब कह रहा है कि अंतिम डेरी यानी जो सबसे ऊपर डेरी लगी हुई है उस डेरी में कितने हैं, तो उस डेरी डेरी की संख्या निकालनी है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए इंटू बी। यहाँ पर दो चीजें लगानी है कि जगह पे, एक तो 25 लेके चल रहा है और एक 16 लेके चल रहा है। तो ए एन बराबर 20 प्लस 25 माइनस ए इंटू माइनस का ए, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर बच्चे 24, 24 एकम 24, तो यहाँ पर आ गया माइनस के 4। तो यानी कि माइनस के 4 आ गया, तो अंतिम डेरी माइनस 4 में नहीं हो सकती है, क्योंकि यह तो डेरी पर अंतिम में एक हो सकता है या दो हो सकता है, यानी कि एन का जो मान है एन का मान वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ए एन की वैल्यू जो है वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। यहाँ पर माइनस आ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता है। फिर दूसरा निकालना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए के टू डी, हो जाएगा ए एन बराबर 20 प्लस 16 माइनस ए के टू माइनस ए, आ जाएगा 20 और 15 बचे, 15 में माइनस ए का दबा करोगे तो माइनस ए 15 हो जाएगी बराबर 5। तो अंतिम यानी जो ऊपर की डेरी लगी हुई है ऊपरी डेरी में लट्ठों की संख्या कितनी है, 5। सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्ठों की संख्या संख्या बराबर 5। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं पंक्तियां 25 भी हो सकती हैं, 16 भी हो सकती हैं, लेकिन अगर 25 पंक्तियां होती हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपरी डेरी की जो पंक्ति है उसमें आपकी संख्या कितनी जा रही है, माइनस के 4 जा रही है। और यहाँ पर पंक्ति में कोई भी आप लट्ठा रखेंगे तो वो माइनस पे नहीं रख सकते, कैम रखेंगे प्लस पे रखेंगे, या तो प्लस का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन माइनस का नहीं हो सकता है। इसलिए ये 25 पे नहीं आएगा। यहाँ पर एन बराबर कितना रखने पर, 16 रखने पर, तो एन बराबर 16 रखने पर यहाँ पर 16 पंक्तियाँ हो जाएंगी और ऊपरी पंक्ति में जो आपके लट्ठों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 5। इसके बाद है सवाल नंबर 9। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद एपी का प्रथम पद ए बराबर 5, ए बराबर 5 और अंतिम पद ए एन बराबर 45 है अंतिम पद, और इसका योग एस एन बराबर आपके पास है 400, एस एन बराबर 400 दिया गया है। तो पहला पद 5, अंतिम पद 45, एस एन बराबर 400। यहाँ पर हमें निकालना है एन बराबर निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है और डी निकालना है, स्थान अंतर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एस एन बराबर एन बटे 2 पहला पद प्लस अंतिम पद, एसएन बराबर एन बटे 2 पहला पद प्लस अंतिम पद, तो एसएन बराबर आपके पास है 400, एन बटे 2 पहला पद है 5 और अंतिम पद है आपके पास 45, तो 400 बराबर एन बटे 2 इंटू 50, 25 आ जाएगा, तो एन बराबर 400 बटे 25, तो एन बराबर 16, पदों की संख्या 16 है, पहला आंसर आ गया। फिर हमें डी निकालना है, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी, ये 45 है, 5 प्लस एन आपका निकला है 16 माइनस ए इंटू डी, तो 45 माइनस 5 बराबर 15 डी, 45 माइनस 5
कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, 22 पदों का योग जहाँ डी बराबर 7 है और 22वां पद जो है 149 है, 22वां पद है और 22 पदों का योग ज्ञात करना है। एन बराबर 22, डी बराबर 7 और 22वां पद आपका 149 है। अंतिम पद 22वां पद दे रखा है, 22 पद दे रखे हैं और सार बनता दे रखा है, तो यहां पर ए बाईस बराबर ए प्लस इक्कीस डी, तो 149 बराबर ए प्लस इक्कीस डी, डी की जगह पे आ जाएगा 7, तो 149 बराबर ए प्लस 7 एकदम 7, 7 दूनी 14, तो ए बराबर 149 माइनस 147, तो ए बराबर आ जाएगा 2, तो ए का मान निकल आया। अब कह रहा है ए का मान है, डी का मान है, एन बराबर 22 है, इन 22 पदों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है, तो ऐसा एन बराबर एन बटे 2, यहाँ पर पहला पद और अंतिम पद भी लगा सकते हो क्योंकि पहला पद 2 है और 22 पद है, तो 22वां पद जो आपका है वो 149 है, यहाँ पर दोनों फार्मूले लग जाएंगे, एन बटे 2 पहला पद प्लस अंतिम पद, और अगर ये वाला लगाने तो आप 2a प्लस एन माइनस ए के टू डी, यहाँ पर हो जाएगा एस 22 बराबर 22 बटे 2, 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस ए के टू 7, तो 22 बटे 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 21, 21 में गुणा करते हैं 7 का 147, उसी बात को 11 इंटू 151, 11 × 11 = 55 और 56 और 11 × 11 = 16, 1661, 22 पदों का योग जो है वो 1661 है, तो 22 पदों का योग ज्ञात करना था और हमें पहला पद ज्ञात करना था, तो पहला पद ज्ञात कर लिया और यहाँ पर 22 पदों का योग ज्ञात कर लिया। इसके बाद अगला सवाल, ग्यारहवां, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो जिनके सभी पदों का योग 60 है और सार अंतर 22 है और अंतिम पद 18 है। तो ग्यारहवें सवाल में आपके समांतर श्रेणी के पदों का योग, कुछ पदों का योग दे रखा है 60, तो जितने पद हैं उनमें पदों का योग 60 है, सार अंतर 2 है और अंतिम पद आपका 18 है, यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ए एन दिया है, डी दिया है और एस एन बराबर 60 है, तो चाहो तो दोनों फार्मूले लगा लो, एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी, तो यहां पर आ जाएगा 60 बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस ए इंटू 2, तो 60 गुणी 120 एन, यहां पर हो जाएगा 2a और प्लस एन माइनस ए और इंटू 2, इसको यही छोड़ दो, समीकरण नंबर पहला बना दो, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास अंतिम पद दिया गया है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए इंटू डी, ए एन बराबर 18 है, ए प्लस एन माइनस ए इंटू 2, तो 18 बराबर ए प्लस 2 एन माइनस 2, 2 को इस तरह लाओगे तो 18 प्लस 2 बराबर ए प्लस 2 एन, तो 2 एन बराबर ये हो जाएगी 20, 20 माइनस ए, तो एन बराबर आ जाएगा 20 माइनस ए बटे 2। अभी एन का मान निकाल लिया हमने, तो ये एन का मान जो निकला है ये समीकरण नंबर दूसरा हो गया, तो समीकरण नंबर एक में समीकरण दो से, समीकरण एक में समीकरण दो से, तो यहां पर है 120 बराबर एन, एन
माइनस ए बटे दो, 20 माइनस ए बटे दो 2a प्लस 20 माइनस ए बटे दो माइनस ए और ए टू हो जाएगा 2। इसको तोड़ेंगे ये 240 बराबर 20 माइनस ए और यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो 20 माइनस ए माइनस के 2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो 240 बराबर 20 माइनस ए और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस 18 माइनस ए, तो 240 बराबर 20 माइनस ए और यहाँ पर आ जाएगा 2a, 2 और में से ये चला गया 1 के बचा और प्लस के 18। अब इनका कर लो गुणा, तो 240 बराबर ए का गुणा करोगे 20 से माइनस ए स्क्वायर 18 × 36 360 और माइनस 18 ए, तो ये ए स्क्वायर इस तरफ आएंगे तो प्लस के ए स्क्वायर हो जाएंगे, 20 में से 18 जाएंगे तो 2 माइनस के 2 ए और माइनस के 360 और प्लस के 240 बराबर 0, तो ए स्क्वायर माइनस के 2 ए माइनस के 120 बराबर 0। गुणा करने पर 120 आ जाए, जोड़ने पर 2 आ जाए, तो 12 का 120, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस के 12 ए प्लस के 10 ए माइनस के 120 बराबर 0। ए कॉमन ले लिया ए माइनस 12 प्लस के 10 कॉमन ले लिया ए माइनस 12 बराबर 0, ए माइनस 12 और ए प्लस 10 बराबर 0, तो ए माइनस 12 बराबर 0 तो ए बराबर आ जाएगा 12 और ए प्लस 10 बराबर 0 तो ए बराबर आ जाएगा माइनस के 10। अब ए बराबर 12 है और ए बराबर माइनस के 10 है, ए का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में ए का मान रखने पर यहाँ पर समीकरण था एन बराबर 20 माइनस ए बटे 2, तो 20 माइनस 12 बटे 2 तो ये बचेंगे 8 बटे 2 बराबर 4, और दूसरा एन बराबर था 20 माइनस ए बटे 2 तो यहाँ पर 20 माइनस माइनस के 10 बटे 2 तो 20 प्लस 10 बटे 2 बराबर आ जाएगा 15। तो यहाँ पर जब पद अगर 4 है तो ए बराबर 12 है, ए बराबर 12 तो एन बराबर 4 पहला आंसर, या ए बराबर माइनस 10 तो एन बराबर 15। अगर ए बराबर माइनस 10 है तो पदों की संख्या 15 है और अगर ए बराबर 12 है तो पदों की संख्या 4 है। तो सबसे पहले आपके पास योग दिया था, सार वर्गमूल दिया था और अंतिम पद दिया था, तो पहला हमने योग के द्वारा समीकरण बनाया, फिर दूसरा वाला जो बनाया वो अंतिम पद से समीकरण बना लिया, इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो ए और एन का मान निकल आएगा। इसके बाद सवाल नंबर है 12वां, सिद्ध करो कि किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत के समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। आपको पिछली एक्सरसाइज में भी लगवाया था कि सिद्ध करना था कि समांतर श्रेणी के आदि और अंत के पदों का योग a प्लस एल है, और यहाँ पर कह रहा है योगफल एक अचर है, तो प्रारंभ से n पदों या r पदों का योग, प्रारंभ से आरवे पद का मान, आरवे पद का मान बराबर ए प्लस आर माइनस ए इंटू डी, ठीक है, प्रारंभ से आरवे पद का मान बराबर ए प्लस आर माइनस ए इंटू डी, इसकी जगह पर अगर टॉप लिख सकते हो ए आर बराबर ए प्लस आर माइनस ए इंटू डी, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है अंतिम से आरवे पद का
आर में मत का मान, तो ए डैश आर बराबर एल माइनस आर माइनस ए इंटू डी, हमारा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण एक व दो को जोड़ने पर तो ए आर प्लस ए डैश आर बराबर ए प्लस आर माइनस ए इंटू डी प्लस एल माइनस आर माइनस ए इंटू डी, ये और ये कैंसिल कर लो, तो यहां पर आ जाएगा ए आर प्लस ए डैश आर बराबर आ जाएगा ए प्लस एल। तो इन पदों का योग प्रारंभ से और अंतिम से पद आर में पदों का योग जो है वो ए प्लस एल है, और ए प्लस एल जो है वो एक कैसा है, अचर पद है। ए प्लस एल एक अचर पद है। तो यहां पर प्रारंभ